भूखनाथ कितने भूखे हैं तुम? चोकोस का पैकेट मेरे लिए आया था। मम्मी ने नू कहा था कि तेरे लिए लाई मैं, मेरे लिए आया था तेरे लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। हाँ, क्या कह रहे तुम? तो भाई चोकोस मंगाए थे, लाई थोड़े से, अपना डोंगा भरा खा पूरा। भूखनाथ कितने भूखे हैं तुम? भाई आ जाना, हमारी छुट्टी आज, वोटिंग हो रही हमारे यहाँ पे, तो इसके वजह से छुट्टी है आज। मैं फिर घर हूँ, आज इलाज बंद हुआ तुम्हारा दोनों का, निखिल बाहर है। तो मैं देखूँ तुम कितने होशियार बनो, अपना अपना भर के दूसरों को चाय ना मिलो। चोकोस का पैकेट मेरे लिए आया था। मम्मी ने नू कहा था कि तेरे लिए लाई मैं, मेरे लिए आया था, तेरे लिए खा गया तू सारा, तेरे लिए नहीं आया था। तुझे ला के दिया मम्मी ने, इतने बड़े ढींग को, और तू तो मेरे से बड़ा ढींग है। कर लिया तो मैं बच्चा, तो मम्मी ने मुझे ला के दिया, इसमें भी कोई बात है? तू तो ढींग है, ढींग भूतड़ी, तू तो भूतड़ी। अपनी सूरत देख, आंखें भी ऐसी गटोला सी। हाय गुनगुन, कैसी हो? कैसी है गुनगुन? हाँ जी, तो ठीक है। झुट्ट हाँ। तेरी मम्मी क्या कर रही? मम्मी तो काम पे जा रही। अरे तू क्या कर रही? मैं कुछ नहीं कर रही। तू यहाँ ली गुम्बन, तू कौन सी क्लास में है? मैं फोर्थ में। यार ले, झुट्ट को ही बनाने लग रहा। झुट्ट को? तेरे पप्पन मम्मा कहाँ? तेरे पप्पन मम्मा कहाँ? पप्पन मम्मा कहाँ गए? ए हटना ही तो छेड़ना है, तेरे से बात कर रहे, अपना मुंह देख सड़ा। पप्पन मम्मा कहाँ? पप्पन मम्मा क्या तेरा का खींच लिया फोटो? गंदे इतनी बढ़िया सूरत नहीं है तेरी, गंदा फोटो बता रही। हट इसका गंदा फोटो खींच ले कहियो, फोटो खींचा उसका अनुकरी, मेरा गंदा फोटो ना ले, मेरा अच्छा फोटो ले, इतनी सोनी तो तेरा फोटो अच्छा ले लू। गाइस मैं नहा के धो के तैयार, मतलब अभी तैयार नहीं, हाफ तैयार, शर्ट रह रही और दीदी प्रेस कर रही। आज दीदी गुस्सा होगी दोबारा, नू नहीं पता क्या मामला, तो दीदी से पूछते हैं क्यों दीदी आप क्यों गुस्सा हो रही? दीदी क्यों गुस्सा हो रही, जल्दी बताओ क्यों गुस्सा हो रही दीदी? बोलने की नहीं, कभी नहीं बोलने की जिंदगी में, कभी भी नहीं, कसम खा ली। चल जा मंदिर में कसम खा ले जाकर, उनको मैं नहीं बोलने की। बस उन्हें कही है उनको, मैं तो कपड़ों पर प्रेस जरूर करूंगी, कपड़ों पर प्रेस पेटेंट करेगी भाई। गुस्सा हो रही समा। तो गाइस दीदी ने आलू चावल ला के दे दिए, मम्मी ने बनाए, वो गरम ला के दिए, इन्हें तो गरम करके ला के दी। पहली बार ऐसा हुआ गुस्से में, आज इसने गरम ला के दिए चावल आलू मुझे करके। अन्नी यो ठंडे ही ला के दे दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो खैर गर्मी चलेगी, ठंड में भी ऐसे कर आए हो, ठंड में ठंडी चाय दे देगी, ठंडी सब्जी, ठंडी रोटी, इसे तो देन से मतलब है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, पर आज तो दीदी मेहरबान होगी भाई। आलू चावल खा लेता हूँ। उधर सिम्बा, अब सिम्बा पूछोगे कौन है सिम्बा? सिम्बा हमारे पप्पी का नाम है, तो अच्छा लगा होगा क्या, नाम तो सही है इसका सिम्बा। देखो कैसे सोता है, ऐसे सोता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दीदी भी उठ गई, पी लो लुल्लू दीदी दूध, पी ले दीदी। सिम्बा पी रहा, देखो भाई कैसे पीता है सिम्बा दूध, पूरा का पूरा इसमें ही। बहुत परेशान कर रहा था, अभी अभी दूध गर्म करा, वो ज्यादा गर्म हो गया, फिर ठंडा करा दूध पानी में, फिर इसे लिया। चल पी ले, ओ, ओ, बाल सुधर रहे भाई। ओह ओ, 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 सड़ैंड, ए सड़ैंड, गुड मॉर्निंग एडी। हाँ अलबेडा, वो डॉक्टर के लेके गए, मम्मी रोने भी लगी। अरे
अब सिम्बा थोड़ा कहीं ना कहीं ठीक है, वो इसकी दवाई जो तो है दूध दवाई रखी हुई इसकी जहाँ कहीं को। ओ भाई दे दो दवाई, कौन सी देनी वो दियो, संदीप वाली दवाई दे दो। ये दवाई लेकर आए थे हम, और ये इसका पर्चा, पर्चा भी हो रहा सिम्बा का, आयुष्मान शुभम चौधरी। लाओ दवाई दो पहले से जब दियो। कौन से वाली देनी? मिसेज रजनी, मिस्टर रोबिन है। अच्छा रजनी, दवाई पिलाओ भाई सब। भाई बुखार हो गया था सिम्बा को आज, बहुत तबीयत खराब हो, एकदम लेके भाग के अचानक से। अरे हाँ अधी दे दो, बहुत है बस। हाँ तो अब दे दे भाई। 30 ml देख, उस पर पर्चे पर लिखा तुम, जो एक महीने का बच्चा, जो कोई पूरा वो नहीं है, 2-3 साल का, इसे साफ तो करनी रखी। अरे साइड में लिखा हुआ है, इसे धोके नहीं रख रखी तुमने? नहीं धोई थी। देख रही ml वन ये लिख रहा तो 5 बीच में यहाँ देनी, ऊपर यहाँ तक भरनी बस, ऊपर तक ही। ओ पंखे खोल रहा, अरे इसका अलग से दबा कर। गरम हो रहा भाई सिम्बा तो। ओ बहुत गरम हो रहा है तो। गर्दन हो रही गरम इसकी बस। वैसे तो ठीक है, पर तू अंधा कुछ अंधा सा लग रहा है भाई। देखो मेरी आंखें काली काली, जब मैं क्या करूं, इसका तकिया तो दे दे बब्बू इसके। हम सिम्बा को कितना वो करे यार, सिम्बा को एकदम ले लेकर भाग गया रात को ही, और बेचारा दीदी डर गई जब सिम्बा की तबीयत खराब हुई। इन मुझे भाई ऐसे ऐसे होगी, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो, कभी नॉर्मल हो, पहले भी उसकी उल्टी लगी थी, फिर भाई उसे दवाई दिला के लाए, अब जाकर उसे कहीं ना कहीं आराम है, और हम भी ठीक है। नहीं मम्मी भी रोने लग रही थी, क्योंकि भाई हम रात को 1-1 बजे उठ जाओ, 2-2 बजे उठ जाओ, उसका ध्यान रखें हम, उसके साथ रात को उठे हैं, उससे सब कुछ खिलावे पिलावे, तो भाई परेशानी तो देखो हो गई। फिर उसे मोटरसाइकिल पर ले गए, नारसी नूमर उड़ रहा था पिछू को, अब कल को फिर लेके जाएंगे सिम्बा को, कल को देखेंगे भगवान जिसकी वो रख रहे। तो भाई सिम्बा की तो आज तबीयत खराब हो गई थी, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।